हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश की कोयला राजधानी धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, इससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन झारखंड का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और ये स्टेशन झारखंड के धनबाद सिटी में स्थित है और ये स्टेशन का कोड है DHN। और धनबाद जंक्शन का निर्माण 1880 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था और 1956 में ये स्टेशन को नए तरीके से फिर बनाया गया था और 1960 में इसे इलेक्ट्रिफाई किया गया है और ये स्टेशन भारत के ज़्यादा कमाई करने वाले रेलवे स्टेशन के लिस्ट में आता है और धनबाद जंक्शन A1 ग्रेड रेलवे स्टेशन के अंदर आता है और इस रूट पे चलने वाली सभी ट्रेनों का स्टॉप यहाँ दिया गया है और धनबाद जंक्शन से हर रोज़ 1.5 लाख से ज़्यादा यात्री यात्रा करते हैं और ये स्टेशन रोज़ाना 120 से भी अधिक ट्रेनों को संभालता है और 1 अक्टूबर 2011 को पहला डबल डेकर ट्रेन धनबाद से हावड़ा के बीच में चलाया गया था और ग्रैंड कोर्ट हावड़ा दिल्ली लाइन धनबाद से होकर जाता है और धनबाद जंक्शन में 7 प्लेटफॉर्म और 11 ट्रैक्स हैं और ये स्टेशन को ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करता है और ये स्टेशन धनबाद रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है और धनबाद जंक्शन का हेडक्वार्टर धनबाद में ही है और धनबाद जंक्शन से हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन, हावड़ा गया दिल्ली लाइन, आसनसोल गया सेक्शन धनबाद पाथरडी लाइन को जोड़ता है और CIC लाइन धनबाद से शुरू होती है और मध्य प्रदेश में ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।